Hey everyone, in this video we are going to see one of the answers related to your switch case statement in your C programming. So we are going to see that why do we call switch statement as multi-way selection statement, right? So we have seen in the previous video that switch case statement is how to work with the help of many different C programs, okay? So if you haven't seen that video, you can find the link of that switch case statement video in the C programming playlist in the video description below. ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट हाउ स्विच केस स्टेटमेंट इन दिस सी प्रोग्रामिंग वर्क्स। ओके, तो इस वीडियो में देखते हैं कि इसको मल्टीवे सिलेक्शन स्टेटमेंट क्यों कहते हैं। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी सीन कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती है कि किस स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है और और किसको नहीं करना है बेस्ड ऑन सम एक्सप्रेशंस और द कंडीशंस, राइट। So we have two type of control statement, conditional and unconditional, right? तो कभी हो सकता है कि कंडीशन के बेस पर हम स्टेटमेंट को सिलेक्ट करते हैं कि किनको एग्जीक्यूट करना है, कब करना है, कितनी बार करना है। कभी हो सकता है कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जो कि कंडीशन नहीं लेती हैं, राइट। तो हमने देखा था कंडीशनल में हमारे पास ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी, राइट। अगर हम केवल अपने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पर ध्यान दें तो वी हैव दिस इफ इफ एल्स एल्स इफ लेटर एंड स्विच। तो ये सभी इफ इफ एल्स एल्स इफ स्विच इनको सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। That means out of many choices, okay, we can select कि हम किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, okay? तो हमने देखा था कि हम if else से भी कर सकते हैं, switch से भी कर सकते हैं, right? तो आप पिछली वीडियो में जाकर के इनका वर्किंग देख सकते हैं, right? इन सभी में बेसिकली कई जगह पर, okay? और you can say in many places, in many of the books, switch को हम मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं, okay? एंड कुछ बुक्स में क्या होता है कि इफ एल्स जो होता है इफ एल्स या इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसे करके जब हम लिखते हैं उनको भी मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं, ओके। तो अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो नॉर्मली इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके, दोनों को ही मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। बट लेट्स सी कि स्विच को ज्यादातर जगह पर मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है और उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ओके। ऑल्दो देयर इज नॉट अ बिग रीजन, ओके, बट देन ऑल्सो स्विच को कई जगह पर मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट क्यों कहा जाता है, ओके, इसके पीछे रीजन क्या है। बेसिकली सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, वी नो कि सिलेक्शन स्टेटमेंट मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि बेस्ड ऑन सम कंडीशंस हमें बताती हैं कि कौन सी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करनी है और कौन सी नहीं करनी है, राइट। सो वी हैव सीन कि हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स इफ एल्स इफ, इनके जरिए भी ओके विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन ऑल्सो टेल कि विच स्टेटमेंट वी हैव टू एग्जीक्यूट, राइट। एंड वी हैव सीन द स्विच स्टेटमेंट ऑल्सो, स्विच केस स्टेटमेंट, ओके, दे कैन ऑल्सो हेल्प अस टू सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच वी वॉन्ट टू एग्जीक्यूट, राइट। तो हमने देखा था कि इफ एल्स कैसे काम करता है। तो इफ एल्स के लिए जैसे हमने ये फ्लो चार्ट वी कैन से कि हमारे पास कंडीशंस होती हैं, ओके, ऑन बेस्ड ऑन कंडीशन इफ एल्स वर्क्स। तो इफ दिस एक्सप्रेशन नंबर वन इज ट्रू वी विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट वन एंड देन वी विल सिंपली कम आउट एंड वी विल एग्जीक्यूट दिस कोड, ओके, द कोड आउटसाइड दिस इफ एल्स, ओके। एंड अगर हमारी एक्सप्रेशन वन ट्रू नहीं होती तो हम एक्सप्रेशन टू पे आते हैं, इसको चेक करते हैं, अगर ये ट्रू हो जाती है तो हम स्टेटमेंट टू को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर बचे हुए कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। सो दिस फ्लो चार्ट इज शोइंग दोस थिंग्स, राइट। नाउ स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, स्विच स्टेटमेंट कहता है कि मुझे यहाँ पर जो भी तुमने एक्सप्रेशन दी है, ओके, आई विल इवैल्यूएट दैट एक्सप्रेशन एज इंटीजर, ओके, चाहे यहाँ पर कैरेक्टर भी लिखा हो उसको भी वो इंटीजर जैसे इवैल्यूएट करता है, ओके, यहाँ पर इंटीजर है तब तो इंटीजर जैसे इवैल्यूएट करेगा, ओके। एंड वी नो कि वी कैन नॉट गिव एनी डबल टाइप वैल्यू हियर, ओके, स्विच डज नॉट अलाउ, ओके। बट इफ स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग में जो भी एक्सप्रेशन होती है, कोई भी एक्सप्रेशन, बस उसका फाइनल आंसर ट्रू आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, राइट। बट स्विच स्टेटमेंट कहती है कि मुझे केवल यहाँ इंटीजर आंसर चाहिए, मैं कोई बूलियन वैल्यू नहीं चाहती हूँ, ओके। इफ एल्स इफ ये हमें बूलियन वैल्यू चाहते हैं, यहाँ पर फाइनली उनको ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट करते हैं, ओके। तो बेसिकली स्विच कैसे काम करता है, स्विच कहता है कि यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है, राइट, ओके, मतलब इंटीजर कोई वैल्यू दी गई है या कैरेक्टर में दी गई है, इंटीजर से इवैल्यूएट करेगा और फाइनली वो मैच करेगा लेवल वन लेवल टू, ओके, अगर या और भी लेवल दिए गए उन सब से, जिस भी लेवल से आपकी इस इंटीजर वैल्यू को मैच मिल जाता है उस लेवल पे, यानी उस केस पर हम जंप लगाएंगे एंड वी विल एग्जीक्यूट दोज स्टेटमेंट ओनली, ओके। सो दिस इज हाउ स्विच स्टेटमेंट एक्चुअली वर्क्स, ओके, दैट वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियो, राइट। तो क्वेश्चन है कि स्विच स्टेटमेंट भी मोर लेस वैसे ही काम कर रहा है, राइट। यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशन कह सकते हैं या कंडीशन कह सकते हैं, ओके, एंड अगर उसके बेसिस पर हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस, ओके, दिस इज नॉट लाइक अ कंडीशन, ओके, दिस इज लाइक अ सिंपल एक्सप्रेशन एंड हियर ऑल द एक्सप्रेशन वर्क्स लाइक
कंडीशन, ओके। अगर ये ट्रू होती है तो हम यहाँ आते हैं, नहीं होती तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ओके। और यहाँ पर अगर ये इंटीजर वैल्यू, ओके, जो भी वैल्यू लिख रखी है, ओके, या यहाँ से जो भी इवैल्यूएट होता है, हम सीधे उस लेवल पे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं केस लेवल वन इस पे आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरह की एक्सप्रेशन लिख दूंगा कि लेवल वन पे आ जाऊँ। यहाँ मैंने किसी तरह से एक्सप्रेशन लिख दिया ऐसा जो कि लेवल टू पे आना चाहे, तो मैं इस पे आ सकता हूँ और सबको छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सिलेक्शन तो हो रहा है स्टेटमेंट्स का, ओके, बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, राइट। तो क्यों हम इसको ही मल्टीवे सिलेक्शन स्टेटमेंट बेसिकली कहते हैं, राइट। तो लेट्स सी, बेसिकली मल्टीवे सिलेक्शन स्टेटमेंट मतलब कि हमारे पास कई सारी चॉइसेस हैं और हमको उनमें से सिलेक्ट करना है या चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करनी है, ओके। तो इस तरीके से तो अगर देखा जाए तो इफ एल्स भी या स्विच दोनों ही एक जैसा ही काम कर रहे हैं, ओके। कई सारी चॉइसेस हैं, कई सारी स्टेटमेंट हैं और हमको देखना है कि किस स्टेटमेंट को हमको एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो उस सेंस में हम मल्टीवे सिलेक्शन स्टेटमेंट दोनों को कह सकते हैं, इफ एल्स को भी और स्विच स्टेटमेंट को भी। बट अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें और रियल लाइफ के सेंस से सोचें कि रियल लाइफ में मल्टीवे सिलेक्शन स्टेटमेंट का या मल्टीवे सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, ओके तो अगर आप यहाँ पर देखें कि लेट्स से दिस गर्ल इज गिविंग सम फ्रूट, ओके, लेट्स से इट इज गिविंग एप्पल, ओके, दिस गर्ल इज गिविंग एप्पल टू दिस, ओके। और इस गर्ल को कहा जाता है कि देखो तुम्हारे हाथ में जो भी फ्रूट दिया जाएगा उस फ्रूट के आधार पर तुम्हें कुछ सिलेक्शन करना है, ओके, यू हैव टू मेक सम चॉइसेस कि आपको कौन सी चॉइस सेलेक्ट करनी है। लेट्स से आपके पास तीन फ्रूट्स हैं, ओके, वी हैव मैंगो, एप्पल एंड द बनाना, ओके। तो इसके हाथ में कौन सा एप्पल आया, सॉरी कौन सा फ्रूट आया, एप्पल, ओके। तो शी विल से ओके आई चूज दिस एप्पल, ओके, एप्पल या यहाँ पर जो भी और चीजें रखी है उसका मैं जाऊंगी उसके पास, ओके। तो शी विल डायरेक्टली गो टू दिस एप्पल ओनली, ओके, शी विल नॉट चेक दिस एंड दिस, ओके। अगर इसके हाथ में लेट से मैंगो देते, ओके, मैंगो, तो ये कहती मेरे हाथ में मैंगो आया, ओके, आई डायरेक्टली गो टू दी मैंगो, ओके। तो इस सेंस में क्या हो रहा है कि मल्टीपल चॉइसेस हैं, शी इज सेलेक्टिंग कि किसको मैं एग्जीक्यूट करूं या किसके पास जाऊं, किस फ्रूट के पास जाऊं, डिपेंडिंग ऑन मेरे हाथ में मुझे दूसरा बंदा कौन सा फ्रूट दे रहा है, ठीक है। अगर मुझे मैंगो दिया जाता है मैं मैंगो पे जाऊंगी, डायरेक्टली जाऊंगी। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली वर्ड थोड़ा सा कह सकते हैं इट इज इम्पॉर्टेंट, ओके, इस सेंस में, ओके, इस डायरेक्टली वर्ड के सेंस में मैं एक्चुअली स्विच स्टेटमेंट को कई जगह पर मल्टीवे सिलेक्शन स्टेटमेंट कहता हूँ, ठीक है, इसी को ही कहता हूँ। इफ एल्स को कई जगह पर नहीं कहते मल्टीवे सिलेक्शन स्टेटमेंट, ओके, तो इसका कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रीजन है। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली हमने देखा कि स्विच स्टेटमेंट में जो भी उसको यहाँ पर है ना, जो भी चीज यहाँ मिलती है, जो भी यहाँ पर इंटीजर वैल्यू इवेल्यूट होती है, जो भी कोई इंटीजर नंबर आता है उससे मैचिंग वाले लेवल पे हम डायरेक्टली जाते हैं, ओके। अब यहाँ डायरेक्टली का मतलब ये होता है, जैसे आप यहाँ पर ये फ्लो चार्ट देख रहे हैं स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड, ओके, तो यहाँ पर सिलेक्शन किया, सिलेक्शन मतलब स्विच उसके ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आई, ओके, लेट्स से 5 आई, ओके, तो मैंने ये स्विच एक्सप्रेशन 1 लिखा है, ठीक है, और वहां से 5 इवैल्यूएट हुआ, और उसके बाद मैं सीधे लेट्स से ये लेवल 2 इज इक्वल टू 5, तो मैं इस वाले केस पर, इस वाले लेवल पर चला जाऊंगा डायरेक्टली। यानी मेरे पास कई सारे चॉइसेस रखी हैं, ओके, डायरेक्टली रखी हैं, ओके, और मैंने यहाँ से जो आंसर निकाला उसके आधार पर मैं डायरेक्टली लेवल 2 के पास जा रहा हूँ, और उसके बाद खत्म होने के बाद जो भी बचा हुआ कोड है उसका एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जबकि इफ एल्स में क्या हो रहा है, हम ऊपर से आ रहे हैं ना जब, तो हमें सभी चीजों को, वी हैव टू क्रॉस एवरीथिंग, वी हैव टू क्रॉस दिस एक्सप्रेशन 1, दैट इज वी हैव टू इवैल्यूएट दिस आल्सो, ओके, इफ दिस इज नॉट ट्रू देन वी हैव टू इवैल्यूएट दिस आल्सो, ओके, देन ओनली वी कैन कम हियर, ओके। तो लेट्स से अगर आपको एक्सप्रेशन 3 पे आना है, देन वी हैव टू क्रॉस दिस 2 पास, बट इन द स्विच स्टेटमेंट वी हैव मैनी चॉइसेस, वी कैन डायरेक्टली गो हियर, ओके। तो रियल लाइफ से हमारा स्विच स्टेटमेंट रिजेंबल करता है, ठीक है, उसकी वर्किंग रिजेंबल करती है कि मल्टीपल सिलेक्शंस आप कर सकते हो स्विच स्टेटमेंट में डायरेक्टली, ओके, कर तो यहाँ भी सकते हैं अगर हम वी डू नॉट गो इन डेप्थ ऑफ, ओके, ऑफ दीज स्विच एंड इफ एल्स, नॉर्मली दोनों एक जैसे ही हैं। बट अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें, स्विच स्टेटमेंट को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, ओके, जो भी यहाँ वैल्यू दी गई है हम डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग डायरेक्टली, तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि स्विच स्टेटमेंट में डायरेक्टली हम किसी लेवल पे कैसे जा सकते हैं, ओके। तो इंटरनली ऐसे ही काम होता है स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स में। अगर हम कहें स्विच फास्टर होता है, स्विच की परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, स्विच मुझे कम टाइम में आंसर बता सकता है कि मुझे किस स्टेटमेंट के पास एक्चुअली जाना है और मैं कह सकता हूँ किस लेवल के पास जाना है, ओके। जबकि इफ एल्स में अगर मुझे स्टेटमेंट 3 के पास जाना है, क्योंकि मुझे इसको भी एग्जीक्यूट करना है, इसको भी एग्जीक्यूट करना है, तो इट टेक्स मोर टाइम इन इफ एल्स टू कम टू दिस स्टेटमेंट नंबर 3।
okay, while in switch it takes lesser time, okay, to go to the particular statement, okay, to select a particular statement. So iska reason kya hai ki why switch is faster than if else, iske liye maine alag se video banaya. You can find the link of that video in the C programming playlist in the video description below. Okay, so I hope now you have understood that actually mein jo switch hai wo aapka real life ke sochne ke tarike se, thinking process se resemble karta hai multi-way selection wale tarike se. That's why we say switch is a multi-way selection statement. Okay, multiple choices and we have to select one, we can directly select that one. Okay, otherwise you are asked to make the flowchart, okay, for the switch case statement, then you can make this type, or you can say jo bhi if else ke liye aapka flowchart banta hai waisa hi bana sakte hain. Okay, but this is more appropriate flowchart. Okay, so in that way we can say switch is a multi-way selection statement. Okay, I hope you have enjoyed this video. So do like, share and comment this video, and do subscribe the channel and press the bell icon for further notification of the videos. So see you in the next video with next question and the next topic. Okay, so till then, goodbye.